netiquettes clear so netiquettes uh, the full form is a network. It is a combination of network and uh, etiquettes. Now there are there are some good behavior good uh, etiquettes or netiquettes whenever you are online. Uh, whenever we are online be aware of what you uh, you post online. फेसबुक so, तो है या इवन यू आर यूजिंग व्हाट्सअप तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो क्या वो पोस्ट फेक तो नहीं है जेन्यन है ठीक है सेकेंड वन इज बी केयरफुल ऑफ वट यू से कोई भी आप एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन अगर इफ यू आर डूइंग समथिंग यू आर चैटिंग विद समब Somebody और किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो केयरफुल क्योंकि योर वर्ड्स मैटर क्लियर नेक्स्ट इज आप प्राइवेसी मेंटेन योर प्राइवेसी आल्सो द प्राइवेसी ऑफ एनदर पर्सन प्राइवेसी मींस योर योर पर्सनल थिंग्स फॉर एग्जांपल योर ईमेल आईडी दिस इज योर पर्सनल ईमेल आईडी And no one has a right, no person has a right to log in in your ID and assess your personal information. This is called called privacy and private, there are some rules and regulations regarding privacy. Okay, so whenever you are online, you have to maintain your privacy. Next is avoid sharing fake news. In 2021... सेंट्रल गवर्नमेंट ने देर आर इम्पोज सम रूल्स रिगार्डिंग इन केस इनकेसर इज एनीट्स और इन ट्विटर uh, और इन फेसबुक तो कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि इस फे, इस मैसेज uh, का रूट कहाँ पे किसने ये पोस्ट uh, बनाई है स्टार्ट किसने की है सो दीज आर न्यू रूल्स रिगार्डिंग दैट तो वेन एवर यू आर फॉरवर्डिंग एनी पोस्ट

आप उस पर्सन को आपने उसको मैंशन करो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सो रिमेंबर बुलिंग साइबर क्राइम ठीक है ऐसी चीजों में अपने 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 इन्वॉल्व नहीं होना नेक्स्ट इज बी केयरफुल रिगार्डिंग स्पीकिंग अबाउट रिलीजियन और सोसाइटी ऐसी को अवॉइड करो जहां पे आपके पास कंफ्लिक्ट होने के चांसेस आते हैं सो दीज आर सम रूल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट इज़ इज़ साइबर एथिक्स फॉर ई कॉमर्स नो प्रेजेंट टाइम ई कॉमर्स इज वेरी पॉपुलर सो वेन एवर

एंड्रॉइड मोबाइल आपके पास गूगल है गूगल हर एक एक्टिविटीज को आपके पास मॉनिटर करता है कि आप किस टाइम पे हो किस ता, किस टाइम आपने कौन सी एक्टिविटीज की है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स नो इट मींस इन प्लस वन यू आर टेकिंग कॉमर्स इज मीनि आपने शॉपिंग के बारे में डिस्कस कर नो यस ऑनलाइन स्टूडेंट वॉट इज कॉमर्स नो बेटा बेसिकली अगर आप इकॉनमी को डिस्कस करते हो तो इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं वन इज एग्रीकल्चर इज प्रोडक्शन तो जब प्रोडक्शन होती है तो कस्टमर के पास जो फाइनल कंज्यूमर है उसके बीच में जो गैप है दैट गैप इज कॉल्ड कॉमर्स फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इज आफ्टर प्रोडक्शन वो मटेरियल uh, किसी होलसेलर के पास जाएगा एजेंसी के पास जाएगा एजेंसी शॉपकीपर uh, को देंगी और शॉपकीपर आपको देंगे इंश्योरेंस इज दैट इज अ बैंक दैट इज योर कॉमर्स तो जो भी आपके पास एडेड सर्विसेज है ठीक है कोई भी तरह की सर्विसेज हो सकती हैं ये सारी की सारी सर्विसेज आर

स यू आर डिस्कलोजिंग एवरी थिंग यू आर यूर अकाउंट नंबर इफ यू गेट द्रू बैंक पेमेंट तो आप बैंक की डिटेल देते हो आप अपना एड्रेस देते हो योर नेम ठीक है यूर लाइक्स एंड एक आप एक प्रोडक्ट बार बार परचेज कर रहे हो तो uh, जो कंपनीज है उनको पता लग जाएगा कि इस पर्सन ये एक प्रोडक्ट कंटिन्यूटी में आप परचेज कर रहे हो तो प्राइवेसी लोट ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज विदीज कॉमर्स कंपनी एंड दीज ई कॉमर्स कंपनी कैन ब्रेक योर प्राइवेसी लगा था कि वो अलग अलग ई कॉमर्स कंपनी को जो इंफॉर्मेशन है प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सेल करती है अभी भी कंपनी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करती है कि दे आर सेलिंग हाँ, तो वो सारे उसी में तो देखो बेटा मेरे बारे बारे में में एक एक प्रोडक्ट के बारे में मैं करता हूँ अगर मैं उसकी इंफॉर्मेशन किसी कंपनी को जो उसमें डील करती है उसको पता लगेगा तो वो मुझे ईमेल्स कर सकती हैं या कुछ ऐसे एट द टाइम ऑफ़ यूजिंग इंटरनेट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि उनकी सेल इंक्रीज हो जाए ठीक है अब ये कंपनी इसलिए सेल करती हैं कि सपोज एटीन टू ट्वेंटी ईयर के बीच में जो गैप एरिया एज वो uh, लोग वो क्या कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं किस चीज को प्रेफर नहीं करते किस टाइम कौन सी चीज यूज करते हैं ये सारे के सारे इसे हम कहते हैं डेटा साइंस एनालिसिस इसके लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो तो डेटा को एनालिसिस करती हैं कि उनका प्रोडक्ट और उनकी सर्विस कैसे इंक्रीज हो ठीक है तो ये इंफॉर्मेशन इस तरीके सेल से होती है नेक्स्ट इज सेफ गार्ड यूजर प्राइवेसी तो बेटा ये यूजर प्राइवेसी सेफ गार्ड कैसे हो सकती है पहले तो बेटा इन कंपनीज को जब भी आपने पास कोई भी आप यू क्रिएट एनी लॉग इन देर आर लॉट सो मेनी इंस्ट्रक्शन आर देअर आप क्या करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो आपने एक्सेप्ट क्लिक करते हो इट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दर्म्स जब आपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट किया होगा देर आर समर्म्स एंड विदाउट रीडिंग एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया था और उस कंडीशन में ये भी लिखा हो सकता है कि आपका डाटा हम किसी और के साथ शेयर भी कर सकते हैं इट मीन्स लीगली आपने क्या कर दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया कि यू यू आर ऑथोराइज टू सेल द गुड माई इंफॉर्मेशन सो दलर मस्ट क्लियर हाउ द यूजर डाटा विल बी यूज तो जो उसको हम जो भी ई कॉमर्स कंपनी है उसको ये अपने मेंशन uh, करना चाहिए अपनी उसमें वेबसाइट में और करती भी हैं कोई रीड नहीं, नहीं करता दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि जो कस्टमर uh, का डाटा किस तरीके से यूज हो सकता है वेदर दे विल सेल द डाटा टू अदर कंपनीज और वो अपने आप में यूज करेंगे किस तरीके से यूज करेंगे नेक्स्ट इज सेलर और मर्चेंट मस्ट इंश्योर दैट यूजर हैज गोन थ्रू

बाउट डेटा सेफ्टी बाइ इंप्लीमेंटिंग प्रेजेंट टाइम देर आर समोटोकोल लाइकोल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यह क्या करते हैं बेटा जब आप डेटा ट्रेवल करते from one side to another side, data encrypted हो फ्रॉम वन साइड टू अनादर साइड डाटा इनक्रिप्टेड हो जाता है सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ इनक्रिप्शन एनी स्टूडेंट इंक्रिप्शन मींस लुकेट एयर सपोज आई एम सेंडिंग वन वर्ड सपोज वर्ड इज तो इंक्रिप्शन क्या करती है उस वर्ड को किसी और फॉर्मेट में चेंज कर देती है फॉर एग्जाम्पल डी की जगह नेक्स्ट करेक्टर आ जाए ठीक है एक एक करेक्टर आगे लिख दो तो वो आपका वर्ड क्या होगा डिफरेंट बन जाएगा और हरेक देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर जिसमें इंक्रिप्शन के अलग अलग स्टाइल होते हैं हो सकता है डी के लिए स्टार आ जाए सिंबल ठीक है आई के लिए प्लस सिंबल एन के लिए टी क्लियर दीज आर इंक्रिप्शन सो वेन एवर वी आर यूजिंग एच टी टी पी एस योर डाटा इज इनक्रिप्टेड इनक्रिप्टेड डाटा मीन्स डेटा इन नॉट रीडेबल फॉर्मेट सो बी श्योर दैट दिन पता होना चाहिए कि यूज द प्रोटोकोस डेट आर सिक्योर कि अदरवाइज इफ आई एम नॉट यूजिंग एच टी टीपीएस एंड आई एम यूजिंग एनी ऑनलाइन शॉपिंग किसी वेबसाइट में कर रहा हूं और वो एच टी टी पी एस नहीं है तो मेरा डाटा मिस यूज हो सकता है हैक हो सकता है क्लियर स्टूडेंट्स एनी डाउट उसमें सर सर स्टूडेंट्स को एंटर कर लो वेटिंग रूम से ओके नेक्स्ट इज अ

डिलीवरी इज नॉट देस इज कंपनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है वो किसी और के पास जा रही है नेक्स्ट इज की आपने जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट जिस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो उसके उसके में जा रही किसी और के पास चले गई ठीक है तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड

और क्रेडिट कार्ड का जो नंबर आपके पास पिन कोड है और उसके जो इंफॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड की वो सारी के सारी किसी और पर्सन के पास जा रही है ठीक है तो ऐसे आपके पास क्रेडिट कार्ड की जो आपके पास फ्रॉड हो सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि आपका क्रेडिट कार्ड किसी के पास है तभी ये फ्रॉड हो ठीक है प्रेजेंट टाइम में तो आपने देखा होगा कि जो कार्ड है उसके क्लोन बन जाते हैं ठीक है डुप्लीकेट बन जाते हैं तो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स आर विद हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड आइडेंटिटी थेफ्ट फ्रॉड मींस कोई आपको रिप्रेजेंट करके किसी के साथ डीलिंग कर रहा है ठीक है नेक्स्ट इज हाउ टू स्टॉप दिस फ्रॉड तो बेटा एक फ्रॉड के लिए आपके पास है कि व्हेनेवर यू आर मेकिंग एनी पेमेंट यूज सिक्योर सिस्टम फॉर एग्जांपल आपके पास एट द टाइम ऑफ शॉपिंग आपके पास ओटीपी आ रहा है तो व्हेन यू आर शेयरिंग दैट ओटीपी नेचुरली चांसेस ऑफ फ्रॉड इज हियर ठीक है तो वेन एवर यू आर मेकिंग एनी पेमेंट यूज ओनली सिक्योर पेमेंट मेथड तो दिस पेमेंट मे बी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट डिफरेंट बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एनी स्टूडेंट बेटा यस बेटा डेबिट कार्ड से जो कैश क्रेडिट कार्ड यस बेटा क्रेडिट कार्ड इसे सर्विस गिवन बाय द बैंक सो यू कैन विदड्रॉ द मनी ठीक है आप उसकी पेमेंट कर सकते हो पर जब आप डेबिट कार्ड यूज करते हो इट मीन यू आर यूजिंग यूर मनी पर वेन एवर यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड इट मीन वी आर गेटिंग द मनी फॉर अ बैंक जस्ट लाइक ए लोन ठीक है आफ्टर सम टाइम वी विल मेक देमेंट ऑफ दैट ठीक है तो अकाउंट उसका लिंक नहीं है तो इसका मतलब हम अपनी मनी यूज नहीं कर रहे हम किसकी मनी यूज कर रहे हैं बैंक की मनी यूज कर रहे हैं नेक्स्ट इज आपने चेक करना है जब भी आप पेमेंट कर रहे हो तो ई e कॉमर्स कंपनी का मैकेनिज्म कैसे है फॉर एग्जाम्पल Amazon इज ए वेरी गुड कंपनी तो किसी थर्ड पर्स कंपनी जिसकी आपने कभी सुना भी नहीं उसकी में अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो देर इज ए रिस्कफुल ठीक है तो जब सबसे जब भी आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो पेमेंट करनी है तो कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए आपको नेक्स्ट इज ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड ऑफ सेलिंग तो आपके पास हर एक वेबसाइट में एक यूजर मैनुअल होता है तो उस यूजर मैनुअल को आपने हमेशा रीड करना है कि उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग क्या-क्या पॉलिसीज है ठीक है एक बेटा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो देयर इज ए वन लॉक सिंबल इज देयर टेल मी व्हाट इज व्हाट दिस लॉक सिंबल मीनिंग ऑफ दिस लॉक सिंबल here is a if i click on that there is a set certificate this is called digital certificate clear digital certificate that this is a genuine website this is not a fake website so whenever you are making any payment so be sure that that particular website having digital certificate okay so this is called, this is called digital certificate now tell me what is a digital signature these two terms are interlinked. what is is here this is a digital certificate. certificate, I open the 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 it will show the name of the company और उसका सर्टिफिकेट का पीरियड कौन सा है ठीक है ये 26 जुलाई 2021 से 16 नवंबर uh, ये नवंबर नहीं बनेगा ये अक्टूबर बनेगा सितंबर 2021 तक चलेगी ठीक है ये मेंशन है बट देर इज एनदर टर्म दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर नॉट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर एन इंट सिग्नेचर नो बेटा क्योंकि नेचुरली डिजिटल सिग्नेचर यू मीन

कुछ इमेज ऐसी भी होंगी जो पेमेंट से लिंक होंगी तो डिजिटल सिग्नेचर इज ए कोड क्लियर जब हम कोई भी सपोज uh, वो कोड आपकी ईमेल के नीचे की तरफ वो कोड लिखा होगा वो हमें पता है और एक सेंटर को पता है उस कोड का इसका मतलब वो कोड अगर मैं सपोज एक ईमेल के नीचे मेरे पास एक कोड है दिस कोड इज ठीक है अब ये कोर्ट से मैं रिकोनाइज कर सकता हूं, कि ये को भी पता हूं मुझे भी पता है तो उससे पता लगता है कि ये जो मैसेज मैसेज आया है वो है वो या नहीं क्लियर दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर प्रेजेंट टाइम ये डिजिटल सिग्नेचर आपको नॉर्मली नहीं मिलते आपको परचेज करने पड़ते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इन पी एफ प्रोविडेंट फंड इजर तो उसमें जो इंप्लायर्स का होता है वहां पे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर्स हैं ठीक है थीके? So that find out whether the sender of that particular e message is a genuine or a not. Is it clear, beta? So this is digital signature. This is a very good term for uh, your uh, cyber ethics topic behavior. Bata. So if you have any doubt here. Yes, students, any doubt here? यस कृष्णा रथ थॉफ्टेड एंटी फ्रॉडर पेट कर दो विच वन थॉफ्टेड एंटी फ्रॉड मीडा फ्रॉड्स आई हैव आरेडी डिस्कस देर आर फोर टाइप ऑफ फ्रॉड्स ठीक है कि आह यू आह योर परचेजिंग समथिंग एंड देर इज नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स सेकंड वन इज Uh, the company is fake. Next is uh, stealing information, means your uh, your information is received by the company and using that. Or last one is the uh, fraud linked with the payment. These are the different type of uh, frauds are there. Next is वेमेंट uh, तो इंश्योर कि जब भी आपके पास कोई भी यू आर एल है ठीक है वो फेक हो सकता है ठीक है आप क्या करते हो कि जो फे, फेक कंपनीज होती हैं वो सिमिलर से यू आर एल क्रिएट करती हैं लिंक्स जैसे ऑनलाइन एस बी आई है ठीक है तो ओललाइन पीछे एस लग दिया एस बी आई उसके बाद कर दिया तो आप क्या करोगे उसको मिसलीड कर लोगे आप समझो कि ये SBA की वेबसाइट है, तो हाँ तो बहुत सिमिलर से ईमेल डोमेन नेम होंगे तो आपने यू को जो है उसका आपके पास ये क्लियर होना चाहिए कि आपके पास वो फेक ना हो रीड दैट यू आर केयरफुली ठीक है नेक्स्ट इज आपने सिंपल कॉपी पेस्ट ना करो आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल एसबीआई की वेबसाइट है ऑनलाइन sbi.com क्लियर तो आपको ये ऐसे यूआरएल रिमेंबर यू रिमेंबर दिस यूआरएल दैट आर लिंक्ड विद बैंकिंग और सम इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे मनी ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट इज बी इंश्योर दैट देयर इज https थर्ड वन इज देयर शुड बी ए डिजिटल सर्टिफिकेट शुड बी देयर सो फोर थिंग्स मस्ट बी देयर फॉर वेन यू आर यूजिंग एनी ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक्स आर जोर एस एस एल एंड डाटा इनक्रिप्शन ये हमने ऑलरेडी कहीं डिस्कस भी कर चुके हैं ठीक है तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक मैम विल टेक लेक्चर तो वो डिस्कस करेंगे So now I'm closing the meeting with her.